बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड दे लिलीज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बंग आवाज। मेरा नाम है श्वेता पांडे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो लाइन की जानकारी हमारे देश के पहले चुनाव के संबंध में। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि देश का पहला चुनाव लोकसभा का चुनाव था और 401 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए चुनाव में चुने गए थे 489 जनप्रतिनिधि, 401 क्षेत्र और चुने गए 489 सांसद। जी नहीं, ये कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। दरअसल 86 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सदस्य चुने गए, एक जनरल से और एक अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से। और एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र भी था जहां से एक जनरल और एक एससी और एक एसटी कैटेगरी से भी एक एक सांसद चुने गए थे, यानी लोकसभा इलाका 1 और सांसद 3। आगे की बातें अगले वीडियो में। शुरू करूंगी आज का मुद्दा। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की। आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। एक कहावत है, घर फूटे गवार लूटे, इसे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चरितार्थ कर रहे हैं। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में भाजपा की गुटबाजी उसकी जीत की संभावनाओं पर ग्रहण लगा रही है। गुरुवार को बाराबनी के दुमहानी बाजार इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहले से ही इसमें गुट संघर्ष की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया वहां पहुंचे, कार्यकर्ताओं में विवाद शुरू हो गया। दो गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन जंग का मैदान बन गया। भाजपा के दोनों गुटों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लात घूसों की बौछार कर दी, टेबल कुर्सियां भी फेंक दी गई, स्थिति पूरी तरह से अराजक हो गई। इसी तरह अहलुवालिया और जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी को अलग कमरे में ले जाया गया। इधर मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं ने कवर कर रहे पत्रकार मनोज शर्मा की भी पिटाई कर दी और उनका मोबाइल फोन छीन कर पटक दिया। उनका फोन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वरीय नेताओं ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया और इसके बाद सम्मेलन हो सका। अहलुवालिया ने मारपीट की घटना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अपेक्षा से अधिक लोग आ गए थे और कुर्सियों पर बैठने के लिए विवाद हो गया। उन्होंने पत्रकार की पिटाई से पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में इस घटना पर खेद भी जताया। चारटा बासन थाके, खटखट आवाज हय, সেটাকে কিন্তু ঝগড়া মনে করবেন না। আপনি যেহেতু বলছেন যে আপনার উপরে কোনো কর্মী হামলা করেছে, আমি ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছ থেকে। इस घटना पर क्या कहा है टीएमसी के नेताओं ने, बाराबनी के विधायक सब मेयर विधान उपाध्याय ने वो भी सुने। আমি পেলাম বারাবনির বড়বা থানে, ওদের এমপি ক্যান্ডিডেট যিনি আছেন উনি এসেছিলেন কর্মী সভা করতে, সেখানে নিজেদের মধ্যে মানে মারপিট হয়েছে, ভিডিওগুলো আমি দেখলাম, প্রচণ্ড মারপিট হয়েছে। এবং তার মধ্যে আমাদের এখানকার সাংবাদিক আমাদের মনোজ শর্মা তাকে মারা হয়েছে। তো তারা এই মারপিট করে ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করছে এবং তারা প্রিপেয়ার্ড হচ্ছে ইলেকশন কীভাবে এই সন্ত্রাস করে ইলেকশনটা করবে এবং মানুষকে ভয় করাবে, এটাই ওদের উদ্দেশ্য। এটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা। वैसे तो गुटबाजी की स्थिति टीएमसी और बीजेपी दोनों दलों में है, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही तृणमूल ने सबसे पहले अपने घर के अंतःकलह को दूर करने का इंतजाम किया और उसके बाद चुनावी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर स्तर के कैडरों को जमीन पर उतार दिया। लेकिन आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के घर में जो कलह हर रोज हो रहा है, उस पर पार्टी के आला अधिकारियों का कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी के सामने यहाँ चुनाव जीतने से पहले संगठन को एकजुट करने की बड़ी चुनौती साफ साफ दिख रही है। इस वीडियो में इतना ही। अब आइए आपको दिखाते हैं रामनवमी में भगवे रंग से रंगा दिखा
बंटपुर, आसनसोल, बड़ाकर और रानीगंज का इलाका। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने अंडाल हवाई अड्डे से लेकर साउथ अंडाल इलाके तक किया रोड शो। उनके साथ थे मंत्री मलय घटक, तृणमूल जिला अध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, उपमेयर अभिजीत घटक। दूसरे वाहन में अभिवादन स्वीकार कर रही थी उनकी पत्नी पूनम सिन्हा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे शामिल। सड़क के दोनों ओर नागरिकों की भीड़ थी उमड़ी। पॉजिटिव रिस्पांस देख गदगद दिखे तृणमूल नेता। आसनसोल के गोपालपुर में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, शामिल हुए पूर्व विधायक सह पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, अरिजीत राय, निरंजन सिंह आदि। जितेंद्र तिवारी ने किया दावा, पूरा पश्चिम बंगाल हो गया है राम में, सभी राम भक्ति में है लीन। राम के प्रति आस्था जताने के लिए लाखों लोग शामिल हो रहे हैं शोभा यात्राओं में। आसनसोल के बंटपुर शिवस्थान मंदिर परिसर में आयोजित हुआ पगड़ी वितरण समारोह, मंत्री मलय घटक, उद्योगपति पवन गुटगुटिया, टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र आदि थे उपस्थित। हर वर्ष आयोजित होता है ये समारोह, रामनवमी का अखाड़ा निकालने से पहले आयोजित होता है समारोह। मंत्री मलय घटक ने दी सभी को रामनवमी की बधाई। आसनसोल के बंटपुर रोड पर स्थित मिलेनियम डायग्नोस्टिक के सामने हुआ हादसा, चलंत टोटो पर गिर गया सड़क किनारे खड़ा पेड़। दुर्घटना में घायल हो गया टोटो चालक, उसके सर पर आई चोट। टोटो में सवार महिला सवारी बच गई बाल बाल। कुछ देर के लिए हो गया ट्रैफिक जाम। साउथ पुलिस पोस्ट से पहुंचे पुलिस अधिकारी, बुलाया गया नगर निगम कर्मचारियों को, पेड़ हटवा कर सामान्य किया गया ट्रैफिक। पुरुलिया शहर के देशबंधु रोड में स्थित बीएसएनएल क्वार्टर परिसर में आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना दी गई, पुलिस और दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका आग पर काबू। परिसर में रखी गई थी विभिन्न सामग्री, प्लास्टिक की पाइप भी। लाखों रुपए की क्षति का है अनुमान। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। और आसनसोल संसदीय क्षेत्र के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन। पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं भरा नामांकन। बहुजन मुक्ति पार्टी की महिला प्रत्याशी आई नामांकन करने, विलंब होने के कारण नहीं हो सका नामांकन, कल करेंगी नामांकन। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और खास मुद्दे के साथ। चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें बंग आवाज। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।